सॉरी मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, इट्स ओके। सॉरी मैं आज लेट हो गई, इट्स ओके। सॉरी आई कांट हेल्प यू इन दिस, इट्स ओके। गाइस जब भी जनरली कोई मुझे किसी बात के लिए सॉरी बोलता है तो मैं उसको इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स ओके ऐसे ही रिप्लाई करती हूँ। कितना बोरिंग लगता है, सिर्फ दो ही वर्ड्स है मेरे पास बोलने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू हिनकोच, मैं हूँ वंदना। इस वीडियो लेसन में स्टडी करते हैं, अगर किसी ने आपसे माफी मांगी है और आप उसकी माफी को स्वीकार करते हैं तो इंग्लिश में हम कौन सी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। इफ यू एक्सेप्ट समवन्स अपोलॉजी, लेट्स बिगिन। सॉरी मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, डोंट मेंशन इट, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ। सॉरी आई बिहेव रूडली विद यू यस्टरडे, फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ। दैट्स नॉट योर फॉल्ट, यह तुम्हारी गलती नहीं है। सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा नेकलेस टूट गया, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, यह तुम्हारी गलती नहीं है। इट डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। सॉरी मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं आ सकती, इट डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। फॉरगेट अबाउट इट, आई अंडरस्टैंड, भूल जाओ, मैं समझता हूँ या समझती हूँ। सॉरी मेरी वजह से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई। फॉरगेट अबाउट इट, आई अंडरस्टैंड, भूल जाओ, मैं समझती हूँ या समझता हूँ। देयर इज नो नीड, इट्स ओके, जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, देयर इज नो नीड, इट्स ओके, जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। नेवर माइंड, नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं। मैं इस टाइम बाहर नहीं जा सकती, सॉरी नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नो नीड टू, इसका मतलब है आवश्यकता नहीं है। सॉरी गलती से आपको धक्का लग गया, नो नीड टू, आवश्यकता नहीं है। गलती से कई बार किसी का धक्का लग जाता है तो हम बोलते हैं सॉरी सॉरी, गलती से आपके ऊपर पैर लग गया, गलती से मेरा हाथ लग गया। नो नीड टू मतलब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट्स ऑल राइट, इसका मतलब है ठीक है। सॉरी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। आई क्वाइट अंडरस्टैंड, इसका मतलब है मैं समझती हूँ। सॉरी मैं तुम्हारी पढ़ने में मदद नहीं कर सकता, आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। सॉरी मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। सॉरी मुझे काम है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। सो गाइज देखा आपने, हाउ कैन यू एक्सेप्ट समवन्स अपोलॉजी बाई यूजिंग 10 इंग्लिश सेंटेंसेज। सो व्हेनेवर यू विश टू एक्सेप्ट समवन्स अपोलॉजी, डू यूज दिस सेंटेंसेज एंड इंक्रीज योर वोकैबुलरी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिनकोच, वेयर लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी। थैंक यू।